बालेश्वर बालेश्वर राय या रमाकांती देवी, उसको छुरा मार दिया है अखिलेश राय और उसका बाप कमल राय, और पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं करता है, कहता है कि हम रंगदार हैं, 10 लाख रुपया तुम दो नहीं तो तुमको जान मार कर फेंक देंगे और रास्ता चलना हमको जुल्म किए हुए है। इस पर कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रहा है कि मुद्दाले को पकड़ के हम अरेस्ट करें। इस तरह की हमारे थाना में, जालीपुर थाना में, फुलवारी थाना में हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप लाख दावा कर ले जनता दरबार लगाने का या फिर जनता राज का, आपका दावा पूरे तरीके से फेल दिख रहा है। मेरी मौजूदगी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाहर है, जहां पर फरियादी आज मिलने आए हैं। आज सोमवार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रति सोमवार जनता दरबार लगाते हैं, वहीं फरियादी जो है वो अनेक मुद्दा लेकर जो है मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं, लेकिन कुछ फरियादी ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी पीड़ित हैं, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ज़मीनी विवाद का मामला आता है। तो वहीं रंगबाज जो हैं वो कहीं ना कहीं आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में लगातार रंगबाजी मांगा जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है। वहीं एक बुजुर्ग महिला और एक पुरुष आए हुए हैं फुलवारी के जानीपुर से, जुड़ेंगे, बात करेंगे। चाचा क्या नाम है? बालेश्वर राय, बालेश्वर राय या रमाकांती देवी, उसको छुरा मार दिया है अखिलेश राय और उसका बाप कमल राय, और पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं करता है, कहता है कि हम रंगदार हैं, 10 लाख रुपया तुम दो नहीं तो तुमको जान मार कर फेंक देंगे और रास्ता चलना हमको जुल्म किए हुए है। इस पर कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रहा है कि मुद्दाले को पकड़ के हम अरेस्ट करें। इस तरह की हमारे थाना में, जालीपुर थाना में, फुलवारी थाना में हो रहा है। पुलिस तो, क्या कहती है आपको जब पुलिस के पास जाते हैं? जी पुलिस क्या कहती है? पुलिस भी जाते हैं तो कहते हैं कि जाओ जाओ अभी नहीं होगा, हम FIR भी किया है और फुलवारी अस्पताल में हम भर्ती हुए हैं और बूढ़ी ने इंजीनियरिंग रिपोर्ट भी लिए हुए हैं और FIR का कागज़ भी मैं लिए हुए हैं, लेकिन पुलिस मुद्दाले को अरेस्ट नहीं कर रहा है। 10 लाख किस चीज़ का मांग रहे हैं आपसे? रंगदारी मांग रहा है कि तुमको बेटी एगो है, तुम रुपया कहाँ करोगे, अब तुम कढ़ाई बिहार खेत है, तुम तक कहाँ के रखोगे, कहाँ खाओगे, देव नहीं तो तुमको जान मार के हम फेंक देंगे बूढ़ा बूढ़ी को। धमकी दिया जा रहा है? धमकी दिया जा रहा है, इसलिए श्रीमान के यहाँ हम आए हुए हैं, लेकिन हम आपसे भेंट करने के लिए कोई नहीं हमको आने जाने दे रहा है, तो मैं क्या करूँ, रोड पर रो रहा हूँ और चिल्ला रहा हूँ, अपने दुखड़ा हुजूर को सुनाने के लिए मैं आया हूँ। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम लगातार जनता की आवाज़ सुनते हैं, लोगों का समस्या का समाधान करते हैं, समाधान यात्रा पर भी चल रहे हैं। हाँ हजूर, हजूर के कृपा हो कि हमारे अर्ज को सुने और मेरे दुख को यह करें, हमारे जान और माल को रक्षा करने के लिए हजूर आप, इसके लिए आप यश के भागी बने। और मैं जनता राज, नीतीश कुमार बताते क्या ये जनता राज? जनता राज है हजूर आपका, तो जनता का सवाल हजूर सुनना चाहिए, हजूर से हाथ जोड़ते हैं और गौर पड़ते हैं, आपके शरण में मैं गिरे हुए हैं, बूढ़ा बूढ़ी 80 और 90 और 85 बरस की उम्र है, मैं क्या कर सकता हूँ, रंगदार तो रास्ता चलना मुश्किल कर रहा है, मेरे जान पर हत्या कर रहा है। भावुक क्यों हो रहे हैं जी? भावुक क्यों हो रहे हैं आप? भावुक क्यों हो रहे हैं हजूर? चलिए चाची, आपको भी परेशान किया जा रहा है। हमरा छुरा मार दिया है, अखिलेश कमल जानीपुर थाना का, हमरा ना बोली निकलो, बोली नहीं निकल रो रही है रोड पर, मत रो चुप रहो, गांव के आदमी है सर, बहुत क्रिमिनल है, 10 लाख रुपया मांगते, राह न चले देते हमरा, राह चलना और जुदा हो ली बच्चा मब गए मैया से। मुख्यमंत्री से क्या मांग कीजिए? मुख्यमंत्री से तो मांगे थे कि उसका पकड़ो, ओकरा जेल में ढुकाबो, जेल में ना जाता हम ना बच्चा, घर से हमको निकलने नहीं दे रहे हैं रंगदार अखिलेश जानीपुर थाना के और कमल यादव, नहीं निकलने दे रहा है, कैसी किसी तरह लुक छिप के हम आए हैं हुजूर के यहाँ, हमरा कोई भी आपसे भेंट नहीं करने दे रहा है, अब मैं क्या करूं?
देखिए ये बुजुर्ग बाबा हैं, चाची हैं, दोनों जो हैं जानीपुर से आए हैं। इन लोगों का आरोप है कि जो रंगबाज है वो रंगबाजी मांगते हैं, 10 लाख रुपए मांगते हैं और कहते हैं कि 10 लाख रुपए नहीं दीजिएगा तो आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं, आप लोगों को ख़त्म कर देंगे, हत्या कर देंगे। तो यानी कि देखा जाए तो बिहार में पूरे तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो जनता राज का दावा है वो पूरे तरीके से फेल दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर तो निकले हुए हैं लेकिन उनका समाधान यात्रा भी फेल दिख रहा है। मुख्यमंत्री का जनता दरबार जिस तरीके से लगता है, फरियादी तो मिल नहीं पाते, कुछ फरियादी ऐसे रहते हैं जिनको वापस लौटना पड़ता है, कुछ ही चंद फरियादी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करते हैं। तो वहीं तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जनता दरबार के बाहर की, जहां पर एक बुजुर्ग महिला और एक पुरुष आए हैं, लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि इनसे रंगदारी मांगा जा रहा है। इनका साफ कहना है कि हम वृद्ध अवस्था में हैं और हमारा 2.5 बीघा जमीन है, जो रंगदार जो है वो मांग रहे हैं या फिर 10 लाख रुपये मांग रहे हैं, हम लोग दे तो कैसे दें, हमारी एक बच्ची है, बेटी है और कहीं ना कहीं हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम उन लोगों को दे सके। तो वहीं गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि हमारा मांग पूरा किया जाए, तो वहीं इन अपराधियों पर कार्रवाई की जाए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोग के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।